साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मैम बताइए ना, सोना तो कुछ क्यों आना हुआ बार बार कोर्ट में? मैम आपका क्यों आना हुआ आज तक कि आप इतनी बड़ी एंकर हैं? मैम चित्रा जी, मैम बोलिए ना, कुछ क्यों आना हुआ इतना तो बता दीजिए। मैम जवाब नहीं, एक्सक्यूज मी मैम, अब तो बता दीजिए। बोलने को तैयार नहीं है, किस तरह से इनकी जो गाड़ी जा रही है आप देख सकते हैं, कुछ भी बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पर है केस भी काफ़ी समय से चल रहा है, आपने देखा कैमरे में किस तरह से भागती नजर आई हैं चित्रा त्रिपाठी, बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यह लोग हर बार की तरह मुंह छुपाकर भागते नजर आते हैं, अगर सच्चे हैं तो क्यों नहीं बोलते, क्या कारण है वो बताएं, जो भी चीज़ें हैं बताएं। कि जो चित्रा त्रिपाठी थी इनके बारे में कुछ जानते हैं आप, क्यों आई थी ये लोग थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 5-7 पत्रकार और भी थे जो पीछे गेट से चले गए। सर जी इनका जो लफड़ा है, ये पालम बिहार में एक लड़की को वीडियो को तोड़ मरोड़ कर आसाराम जी बापू के खिलाफ दिखाया था, लेकिन वो वीडियो जो जा हकीकत दिखाया नहीं, उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया, तो गुड़गांव कोर्ट में इनके 9 साल से मुकदमा चल रहा है। आज इनकी मतलब 4 सीट पर मतलब फाइनल होना था सजा की, अब अंदर क्या हुआ हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये लोग बड़ा बदतमीज पत्रकार हैं। मतलब आसाराम जी बापू को धूल मिल खराब करने के लिए एक 9 साल की लड़की को जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो आज की जो तारीख थी आज, उसमें करीब करीब ये मान के चलिए कि पीपी साहब ने अपना जो है आर्गुमेंट ओपन किया है, जो कि करीब 2-2.5 घंटे तक बीच में अपना जो है उनकी आर्गुमेंट रहे हैं, और उसके बाद में अभी जो अगली जो कोर्ट की तारीख है वो अभी फिलहाल कोर्ट ने जो है उसको अभी अगली तारीख पर रखा है, क्योंकि अभी चार्जेस की जो भी पूरी बहस है वह अभी कंक्लूड नहीं हो पाई है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।